अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस एवं रायपुर डिवीजन के संयुक्त तत्वावधान में योग दिवस का आयोजन चरोदा के सांस्कृतिक भवन में किया गया। चाहूंगा योग जो है एक व्यायाम ना होकर योग एक जीवन पद्धति होती है, जिसके अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंगों पर मतलब डिपेंड है। जिसके अंतर्गत पहले सामाजिक और व्यक्तिगत आचार संहिता यम नियम, उसके बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एक क्या बोलते हैं जर्नी है ये। तो इसके अंतर्गत हमें योग को एक मात्र वार्षिक उत्सव के मात्र मनाने के बजाय उसके साथ साथ हमें जीवन में मैंने आपका साकार करना है और जीवन में उतारना है। जब तक जीवन में उतार देंगे ना कि जीवन की शैली बन जाए, दिनचर्या बन जाए, तब योग से जो लाभ मिला वो लाभ मिल पाएगा। अभी डिविजन बता रहे थे कि उसे इनका जितना लाभ मिला है, तो वैसा कई अनगिनत लोग हैं। इसके अंदर मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था। मैंने जब 2004 में मेरे मेजर एक्सीडेंट हुई थी, मैंने मेरा फुट ड्रॉप हो गया था, बेड रिडन हो गया था, मैंने 1.5 साल बेड में था। उस समय मेरे पैर के लिए बाईपास सर्जरी की बात चल रही थी, जब पैर में 0 पल्स रहा जैसे टनर हॉस्पिटल में, जिस कंडीशन में मैंने रात दिन उस बेड में रात दिन कपालभाति करती, इतना खून बह रहा था, क्योंकि कपालभाति ज़्यादा करने से अंदर खून की बहाव भी बढ़ती है, जिसके अंदर काफ़ी ब्लड भी चढ़ाना पड़ता था, लेकिन रहस्य किसी को बिना बताए रात दिन कर रहा था। ये सौभाग्य ईश्वर की कृपा है, योग का वो महत्व माना जाता हूँ मानता हूँ मैं। मात्र सर्जरी से मेरे होती में 9 बजे मुझे लेकर जाना था, 8 बजे के आसपास में मुझे 30% पल्स मिलना, ऑपरेशन कैंसिल होना, आज मुझे दौड़ने से लिए कूदने से हर चीज़ के लिए मना कर दिया, वो सारी चीज़ आज मैं कर पाता हूँ मात्र योग की बदौलत। इसलिए योग मेरा जीवन है, योग मेरा एक सब कुछ है, योग मेरा सर्वस्व। विश्व जो है एक आम मानव से स्टार्ट होता है। एक आदमी अगर अपने आप को योग के माध्यम से स्वस्थ रखे, स्वस्थ न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि शारीरिक मानसिक एंड भौतिक तीनों रूप से अगर स्वस्थ रखे, तो एक व्यक्ति अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा, समाज को स्वस्थ रखेगा, समाज से जो है पूरा शहर स्वस्थ होगा और इसके साथ साथ पूरा विश्व स्वस्थ होगा। तो खुद को योग में कहता है ना चिंतन, चिंतन होता है एक सूक्ष्म का होता है, तो सूक्ष्म से स्टार्ट करके हम अगर पूरे विश्व का निर्माण जो इस तरह हुआ, तो योग दिवस में यह संदेश देना चाहूंगा कि खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, तो समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा और पूरे विश्व का स्वास्थ्य सुधरेगा। तो यही कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः, मतलब सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे एंड सभी जो है जिंदगी जिंदगी का आनंद ले। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम योग को एक दिन का दिनचर्या, एक दिन का कार्यक्रम न लेते हुए इसको पूरे अपने दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ शरीर को प्राप्त करते हुए पूरे जिंदगी का मजा लें। धन्यवाद। मजदूर कांग्रेस और रेलवे प्रशासन का मदद से इतना भव्य रूप से जो योग दिवस मनाया गया है, और मैं सभी नगरवासियों को रेलवे कर्मियों को यही बोलता हूँ, आप टेंशन मुक्त हो या आपका तबीयत ठीक होना है तो योग को आप अपनाइए, सभी सुखी जीवन अपना अपना सकता। धन्यवाद इतना सक्सेस होने के लिए, सभी लोग जितना मदद किया सभी को, हमारा मजदूर कांग्रेस कैडर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।